नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से वाईफाई स्टडीज बैंक एग्जाम चैनल पर। मैं अंकित गुप्ता करता हूँ आप सभी का स्वागत। जितने भी लोग यहाँ पर जुड़ चुके हैं सभी को यहाँ पर गुड मॉर्निंग, क्योंकि यहाँ पर सुबह की शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है। तो फटाफट से यहाँ पर सभी लोग जुड़ जाइएगा ताकि मैक्सिमम लोग हमारे साथ यहाँ पर जुड़ सके और इस क्लास का यहाँ पर आनंद उठा सके। ओके, तो फटाफट से यहाँ पर क्लास की शुरुआत करते हैं आप सभी के साथ। और कल की क्लास ना होने का कारण आप सभी को पता ही है कि कल आपकी क्लास वैसे हुई थी और इसके बाद जितनी भी क्लासेस कल आपकी थी वो ना हो पाने का रीजन बस एक ही था कि एक रेगुलर चेकअप के लिए यहाँ पर हॉस्पिटल जाना पड़ा, जिसकी वजह से बाकी क्लासेस आपकी नहीं हो पाई। लेकिन आज आपकी बाकी सभी क्लासेस भी होंगी, अन अकेडमी पर जो क्लासेस आपकी चलती है वो क्लासेस भी आपको देखने को मिलेंगी, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज आपको 9 बजे डेली करंट अफेयर्स की क्लास आज आपको अन अकेडमी पर भी देखने को मिलेगी। 11 बजे आपको SSC की क्लास, जो आप लोग पर डे SSC क्लास में जुड़ते थे वो क्लास भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। और 1 बजे जो हम लोग स्टैटिक GK के प्रैक्टिस क्विज की 40 प्रैक्टिस क्विज की क्लास हम लोग करते हैं वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो सारी की सारी क्लासेस को ज्वाइन करना आपकी जिम्मेदारी है। और आज से बिल्कुल बीच में एक छोटा सा गैप एक दिन का, और उसके बाद हम लोग फटाफट से सारी की सारी क्लासेस को यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है भाई, अन अकेडमी पर ऑलरेडी हिस्ट्री का कोर्स आपका चल रहा है। ये हिस्ट्री का कोर्स आपका कंप्लीट हिस्ट्री का कोर्स है, जिसमें हम लोग पहले मेडिवल हिस्ट्री, फिर पहले हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री, फिर मेडिवल हिस्ट्री और फिर एंशियंट हिस्ट्री को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, साथ ही साथ इस कोर्स के साथ आपको ज्योग्राफी, पॉलिटी और बाकी सभी सब्जेक्ट जो आपके बनते हैं, इकोनॉमिक्स, बाकी सभी जो आपके GS के सब्जेक्ट बनते हैं वो आपको यहाँ पर कंप्लीट मिल जाएंगे। मतलब आपका एक पूरी तरह से कंप्लीट GS का कोर्स है, जो कि आपको SSC और मुझे लगता है आगे आने वाले समय में आपके CET एग्जामिनेशंस के लिए भी इंपॉर्टेंट बनेगा, CET एग्जामिनेशंस के लिए भी आप सभी के लिए लाभदायक होगा। तो आप लोग इस क्लास को यहां पर ज्वाइन जरूर करें और इस क्लास को भी यहां पर आप लोग इन क्लासेस को भी आप लोग यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं अन अकेडमी के माध्यम से। और साथ ही साथ अन अकेडमी पर मैंने अभी आपको बताया कि सुबह 9 बजे आपकी डेली करंट अफेयर्स की क्लास, इसके अलावा सुबह 11 बजे आपकी जो क्लास चलने वाली है वो है आपकी SSC की क्लास, और इसमें हम लोग GS बेस्ड बहुत सारे MCQ यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा हम लोग दोपहर एक बजे यहाँ पर स्टैटिक GK की क्लास आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। तो इन तीनों क्लास, ये तीनों ही क्लास आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, इन तीनों ही क्लासेस को फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो इन क्लासेस में जुड़ना मत भूलिएगा। आज से क्लासेस आपकी फिर से स्टार्ट हो गई, केवल एक दिन का छोटा सा गैप था ताकि ये क्लासेस आपकी रुकी हुई थी, क्लासेस नहीं हो रही थी, अब ये फटाफट से आपकी क्लासेस यहाँ पर शुरू हो जाएंगी। टारगेट 10 कोड है अन अकेडमी पर, अगर आप कोई भी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं SSC के लिए, जो कि कंप्लीट SSC में आपका फिर यहाँ पर मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश सारे के सारे कोर्सेज इसमें अवेलेबल रहेंगे। GS के साथ आपको सभी सब्जेक्ट यहाँ पर कंप्लीट SSC का कोर्स टारगेट 10 कोड के माध्यम से, कंप्लीट बैंक का कोर्स आपको टारगेट 10 के माध्यम से और कंप्लीट रेलवे का कोर्स आपको टारगेट 10 के माध्यम से यहाँ पर मिल जाएगा। ये सभी एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है, ऑल एग्जाम्स के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये बनता है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और हाँ, अन अकेडमी पर भी फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि फॉलो करने का फायदा आपको ही होने वाला है। अगर आप अन अकेडमी पर प्रोफाइल को फॉलो कर लेंगे अन अकेडमी के, तो आपको हर क्लास का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मोबाइल नंबर पर आपको मिल जाएगा। चलिए रिवीजन से यहाँ पर शुरुआत करते हैं क्लास की। और रिवीजन में सबसे पहले GDP है, तो हम लोग पहले कई बार रिवाइज कर चुके हैं, तो एक बार इस पर नजर दौड़ा लीजिएगा। अभी तक जिन विद्यार्थियों ने इसको रिवाइज नहीं किया है, क्लास के बाद इसकी PDF आपको मिल जाएगी, तो उस PDF में आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा कि किस एजेंसी के द्वारा क्या यहाँ पर GDP का प्रोडक्शन आपका रखा गया है, जिसमें से आपका एक अपडेशन भी था कि बार्कलेज इन्वेस्टमेंट जो बैंक है, बार्कलेज इन्वेस्टमेंट बैंक, उसके द्वारा भारत की GDP को -6% यहाँ पर प्रोडिक्ट आपका किया गया है। क्लियर है, अब रिवीजन MCQ पर आ जाते हैं। पहला MCQ आप सभी के सामने, फटाफट से बिल्कुल तैयार हो जाइएगा फटाफट से आंसर यहाँ पर करने के लिए। ठीक है भाई, कि हाल ही में किस फिल्म का ट्रेलर दुनिया भर में यूट्यूब पर दूसरा सर्वाधिक नापसंद किया गया वीडियो आपका बन गया है। रिसेंटली विच मूवी ट्रेलर वाज सेकंड मोस्ट डिसलाइक वीडियो ऑन यूट्यूब वर्ल्ड वाइड बेबी यूट्यूब रेविन 2018 सड़क 2 या फिर इनमें से कोई नहीं। सही जवाब आपका यहाँ पर बनता है सड़क 2, याद रखिएगा। जबकि यूट्यूब पर सबसे ज्यादा नापसंद किए जाने वाला ट्रेलर आपका बनता है यूट्यूब रेविन 2018। और बेबी जो आपका यहाँ पर एक सॉन्ग है, ये जो आपका जस्टिन बीबर है उनका सबसे ज्यादा नापसंद किए जाने वाला वीडियो है, जो कि अब थर्ड ऑप्शन पर, मतलब कि थर्ड पायदान पर आ गया है। सेकंड नंबर पर सड़क 2 और नंबर 1 पोजीशन पर यहाँ पर यूट्यूब रिविन 2018। ठीक है, अगला प्रश्न, किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण सूची
2020 में यहाँ पर सेकंड रैंकिंग दी गई, विच सिटी वाज रैंक एट द सेकंड रैंकिंग इन द स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 रैंकिंग लिस्ट। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, जिसमें से सूरत शहर की अगर मैं बात करता हूँ तो ये आपका सेकंड रैंकिंग पर आया है। सूरत शहर किस नदी के किनारे मौजूद है? ये ताप्ती नदी के किनारे मौजूद है। और सूरत शहर किस तरह के बिजनेस के लिए जाना जाता है, किस तरह के व्यापार के लिए आपका जाना जाता है, एक बार फटाफट से लिखकर बताया कि सूरत शहर किस तरह के बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पर बनता है। पॉइंट यहाँ पर क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, और ये पूरा यहाँ पर रैंकिंग है, इस रैंकिंग को आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इंदौर यहाँ पर नंबर वन पोजीशन पर है और सूरत यहाँ पर सेकंड पोजीशन पर बनता है। टॉप 20 कंट्री आपके सामने है जहां पर जनसंख्या और आबादी 10 लाख से आपकी ज्यादा है। अगला प्रश्न, विच कंट्री इज रैंक फर्स्ट इन द नंबर ऑफ द ऑर्गेनिक फार्मर्स, किस देश को जैविक किसानों की संख्या में पहला स्थान यहाँ पर दिया गया है? तो जैविक किसानों की संख्या के मामले में इंडिया आपका यहाँ पर नंबर वन पोजीशन पर है, जबकि टोटल लैंड एरिया की बात करते हैं, टोटल जो आपका पर्टिकुलर एरिया बनता है जहां पर आपकी ऑर्गेनिक फार्मिंग आपकी होती है, उस हिसाब से इंडिया आपकी 9th पोजीशन पर है, 9th रैंकिंग पर है, ये याद रखिएगा। ऑर्गेनिक फार्मर्स की बात करते हैं तो इसका मतलब यहां पर ये हुआ कि ऐसे किसान जो कि ऑर्गेनिक तरीके से, जैविक तरीके से यहां पर खेती करते हैं, उनकी बात यहां पर की गई है। जैविक तरीके से खेती करने का मतलब यहां पर यह हुआ कि बिना किसी रसायन, बिना किसी केमिकल और बिना किसी केमिकल फर्टिलाइजर के यहां पर एग्रीकल्चर किया जाता है, जिसके लिए पारंपरिक विधियों का उपयोग आपका यहां पर किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा भारत का सबसे पहला ऑर्गेनिक जो आपका स्टेट आपका बनता है, ऑर्गेनिक स्टेट, फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ इंडिया, तो ये आपका बनता है सिक्किम स्टेट। ये भारत का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का पहला ऑर्गेनिक स्टेट है, ये भी आप लोग यहां पर याद रखिएगा। सिक्किम स्टेट में आपकी यूनेस्को की एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी आपकी मौजूद है, सिक्किम स्टेट में ही यूनेस्को की एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट आपकी मौजूद, इसका नाम बनता है कंचनजंगा नेशनल पार्क। और सिक्किम भारत का एक ऐसा राज्य भी है जहां पर आपकी जो रेलवे लाइन है वो आपकी नहीं बिछी हुई है, तो इसको भी यहाँ पर नोट करते हुए चलिएगा और समझते हुए यहाँ पर चलिएगा। अच्छा, सिक्किम को भारत और दुनिया का पहला ऑर्गेनिक स्टेट किस ईयर में आपका अनाउंस किया गया था? ईयर अगर आप लोग बताना चाहें तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर करके आप यहाँ पर बता सकते हैं। पॉइंट यहाँ पर क्लियर है, ठीक है। अगला प्रश्न, गृह मंत्रालय ने किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से टोटल 10,000 सुरक्षा कर्मियों को वापस लेने का यहाँ पर फैसला किया है? द होम मिनिस्ट्री हैज विड्रॉन 10,000 सिक्योरिटी पर्सनल फ्रॉम विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? अरुणाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, मणिपुर और असम, चार राज्य आप सभी के सामने हैं, यूनियन टेरिटरी यहां पर जम्मू एंड कश्मीर। सही जवाब आपका यहां पर बनता है जम्मू एंड कश्मीर। क्या बनता है भाई? जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के अभी हाल ही में लेफ्टिनेंट गवर्नर किसको अपॉइंट किया गया है? वो मनोज सिन्हा जी को अपॉइंट किया गया है। ये सेकंड लेफ्टिनेंट गवर्नर आपके बनेंगे जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के। फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट तो बनेंगे आपके गिरीश चंद्र मुर्मू। अब इनको हटा दिया गया है, मतलब ये हट गए हैं और अब ये आपके क्या बन गए? भारत के अगले सीएजी बन गए हैं, यानी कि कंपेट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये आपके अगले सीएजी आपके नियुक्त हुए हैं यहाँ पर, गिरीश चंद्र मुर्मू, ये याद रखिएगा। जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी का दर्जा, ऑफिशियल अगर डेट पूछी जाए तो आपको आंसर करना है 31 अक्टूबर 2019। किसकी जयंती बनती है सर? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती बनती है, जिसको हम लोग नेशनल यूनिटी डे के तौर पर यहाँ पर मनाते हैं। हाँ, मनोज सिन्हा वहां पर बिल्कुल सही है, वो 2016 था, ठीक है। पॉइंट यहाँ पर क्लियर है, 2016 था वहां पर, कि 2016 के आसपास यहाँ पर सिक्किम को फर्स्ट यहाँ पर स्टेट का दर्जा दिया गया था, मतलब कि सिक्किम को यहाँ पर ऑर्गेनिक स्टेट का दर्जा दिया गया था। मणिपुर, यहाँ के सीएम बनते हैं एन बीरेन सिंह, गवर्नर यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनते हैं क्योंकि यहाँ पर फीमेल गवर्नर है, नाम बनता है नजमा हिप्तुल्ला। असम राज्य की बात करें तो लेटेस्ट क्या इन्फॉर्मेशन आपकी यहाँ पर रहेगी? अभी चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल, और यहाँ के गवर्नर का नाम अगर आप लोग बताना चाहें तो फटाफट से लिखकर बता सकते हैं कि गवर्नर का नाम आपका यहाँ पर क्या बनता है, ये आप लोग यहाँ पर फटाफट से बता दीजिएगा, ठीक है। अगर हम लोग ये बात करते हैं कि नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा राज्य अकॉर्डिंग टू द एरिया क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य, तो अरुणाचल प्रदेश बनता है नॉर्थ ईस्ट में, और दूसरा सबसे बड़ा राज्य जो आपका बनता है वो आपका असम राज्य बनता है। और अरुणाचल प्रदेश और असम दो ही ऐसे राज्य हैं जहां से ब्रह्मपुत्र नदी आपकी पास होती है, गुजरती है, याद रखिएगा। असम में आपका काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि एक सींग वाले गेंडों के लिए प्रसिद्ध है, हाल ही में यहाँ पर बाढ़ भी आई हुई है ब्रह्मपुत्र नदी में, ये भी आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। तो ये सारी चीजें आप एक दूसरे से जोड़कर यहाँ पर देख सकते हैं। बिल्कुल शेखर जी, जम्मू एंड कश्मीर में आपकी डल झील भी आपकी मौजूद है। जगदीश मुखी आपके चीफ मिनिस्टर बनते हैं, वेरी गुड।
हाँ अरुणाचल प्रदेश, सर्वानंद सोनोवाल यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब आपका बन जाएगा। अगला प्रश्न, इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा यहाँ पर कर दी गई है? विच स्टेट हैज लॉन्च इंदिरा रसोई योजना? मध्य प्रदेश, पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान। सही जवाब यहाँ पर बनता है राजस्थान। और अभी कुछ ही दिनों पहले यहाँ के डिप्टी चीफ मिनिस्टर राजस्थान के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सचिन पायलट को उनकी जगह से हटाया गया है, और राजस्थान की आपकी अशोक गहलोत की सरकार ने, जो कि वहां के चीफ मिनिस्टर बनते हैं, अभी हाल ही में विश्वास मत यहां पर हासिल किया है। गवर्नर का नाम इंपॉर्टेंट बनता है, कलराज मिश्र। कलराज मिश्र यहाँ के आपके क्या बनते हैं? गवर्नर आपके बनते हैं, ठीक है। राजीव गांधी गौठान योजना अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा आपकी शुरू की गई थी। भूपेश बघेल यहाँ के चीफ मिनिस्टर बनते हैं, फीमेल गवर्नर यहाँ पर आपकी मौजूद है, नाम बनता है अनुसुईया उइके, ये भी याद रखिएगा। पंजाब, कैप्टन अमरिंदर सिंह, ठीक है, कैप्टन अमरिंदर सिंह यहाँ के क्या बनते हैं? आपके चीफ मिनिस्टर बनते हैं। बीपी सिंह बदनौर यहाँ के आपके गवर्नर बनते हैं। मध्य प्रदेश भी काफी आपका हाईलाइट है, मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान आपके बनते हैं। अभी हाल ही में इस राज्य सरकार के द्वारा ये घोषणा की गई है कि मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा जो राज्य स्तरीय आपकी वैकेंसी, यानी कि जो यहाँ पर रिक्तियां या यहाँ पर जो भी रोजगार होगा, वो यहाँ पर केवल मध्य प्रदेश के ही नागरिकों और बच्चों को यहाँ पर दिया जाएगा, स्टूडेंट्स को दिया जाएगा। बाहर के लोगों को अब मध्य प्रदेश में जो भी जॉब होती हैं या रोजगार होता है या सरकारी नौकरियां हैं जिसके लिए सरकारी एग्जाम होता है, वो आपका देखने को नहीं मिलेगा। तो इसका थोड़ा सा क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है, कुछ लोग इसका स्वागत भी कर रहे हैं जो कि मध्य प्रदेश के लोग हैं। तो ये सारी चीजें साथ ही साथ आप लोग याद रखते हुए चलिएगा। राजस्थान का स्टेट बर्ड आपका बनता है गोडावण, जिसको हम लोग द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से भी आपका जानते हैं। विच यूनियन मिनिस्टर ऑर्गेनाइज द स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज? स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर आप लोग जानते हैं, माइक्रो प्रोसेसर जो आपकी चिप होती है वो कंप्यूटर के प्रोसेसिंग यूनिट में आपकी लगती है, जो कि कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड को आपकी बढ़ाती है, जैसे कि इंटेल का प्रोसेसर। तो हाल ही में अपना देसी प्रोसेसर विकसित करने के लिए यहाँ पर और भारत को इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज की शुरुआत की गई है। ये किसके द्वारा की गई है? निर्मला सीतारमन जी आपकी फाइनेंस मिनिस्टर बनती हैं, रविशंकर प्रसाद जी आपके आईटी मिनिस्टर बनते हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत जी ये क्वारंटीन कर दिए गए हैं क्योंकि ये कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत जी भारत के जल शक्ति मंत्रालय के मिनिस्टर यहाँ पर बनते हैं, जल शक्ति मंत्रालय के मिनिस्टर यहाँ पर बनते हैं। सही जवाब यहाँ पर बनता है रवि शंकर प्रसाद जी। रवि शंकर प्रसाद जी की बात करें, इन्होंने किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ा है और ये वर्तमान में किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से सांसद आपके बनते हैं? फटाफट से यहाँ पर लिखकर बता दीजिएगा। राइट, जो बिल्कुल रवि शंकर प्रसाद जी, तो यहाँ पर सही जवाब है। अब इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी बनती है वो क्या बनती है, फटाफट से एक बार लिखकर यहाँ पर सभी विद्यार्थी बता दें। ओके, अगला प्रश्न, हु बिकम द सेकेंड कंपनी इन द वर्ल्ड टू अचीव अ मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 2 लाख करोड़? दुनिया की दूसरी ऐसी कंपनी जो कि 2 लाख करोड़ का बाजार पूंजीकरण या फिर मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब है कि अब इस कंपनी की बाजार में जो कीमत है और टोटल जो इसकी मार्केट में कैपिटल है, पूंजी है, वो अब 2 लाख करोड़ रुपए हो चुकी है। जैसे कि शेयर वगैरह होते हैं कंपनी के, इसके अलावा कंपनी की असेट्स होती हैं, इसके अलावा कंपनी की फैक्ट्री होती है। तो जो मार्केट वैल्यूएशन है, मार्केट कैपिटलाइजेशन है, वो 2 लाख करोड़ को यहां पर पार कर चुका है। ये दुनिया की ऐसे करने वाली दूसरी कंपनी बनी है। पहली कंपनी आपकी जो बनती है वो बनती है आरामको। आरामको आपकी क्या है? आरामको जो कंपनी आपकी है वो सऊदी अरेबिया की एक गवर्नमेंट यहाँ पर तेल कंपनी यहाँ पर बनती है, ठीक है, ऑयल कंपनी आपकी बनती है। ये दुनिया की सबसे अमीर ऑयल कंपनी भी आपकी बनती है, ये सऊदी अरेबिया में आपकी मौजूद है। ये दुनिया की पहली सबसे बड़ी या सबसे बड़ी बाजार पूंजीकरण 2 लाख करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन को छूने वाली कंपनी थी, और अब दूसरी कंपनी यहाँ पर बन गई है एप्पल कंपनी। ये आपकी अमेरिकन कंपनी यहाँ पर बनती है। गूगल भी अमेरिकन कंपनी है, अमेजन भी अमेरिकन कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट भी आपकी अमेरिकन कंपनी यहाँ पर बनती है। क्लियर रहा यहाँ पर? हाँ, पटना साहिब, जितने भी लोगों ने पटना साहिब आंसर किया है वो कॉन्स्टिट्यूएंसी बिल्कुल सही बनेगी। झारखंड गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस द न्यू स्टेट एम्बलम रिसेंटली, व्हाट इज द स्टेट एनिमल ऑफ झारखंड? झारखंड सरकार ने हाल ही में नया राज्य का प्रतीक आपका पेश किया है। झारखंड का राजकीय पशु इंडियन एलिफेंट बनता है। ये झारखंड के साथ साथ केरला और कर्नाटका का भी स्टेट एनिमल आपका बनता है। और स्नो लेपर्ड की बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश का स्टेट एनिमल इन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये आपकी स्टेट बर्ड बनती है। राजस्थान की फिशिंग कैट या आपका वेस्ट बंगाल का स्टेट एनिमल आपका यहाँ पर बनता है।
सिंबल में भी आप देख सकते हैं हाथी का चित्र आपको यहाँ पर नजर आएगा। अगला प्रश्न, मुथूट फाइनेंस हैज पार्टनर्ड विद विच इंश्योरेंस कंपनी टू ऑफर COVID-19 इंश्योरेंस कवर अगेंस्ट द गोल्ड लोन। मुथूट फाइनेंस ने किस बीमा कंपनी के साथ गोल्ड लोन के ऊपर COVID-19 बीमा कवर आपका देने के लिए यहाँ पर साझेदारी की है, किस इंश्योरेंस कंपनी के साथ? तो कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी, ऑप्शन नंबर 3 हियर इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज टाई अप विद द NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर मुंबई। रुपे कार्ड इनका एक ब्रांड बनता है। कैनरा बैंक टू लॉन्च इट्स डिजिटल पेमेंट सर्विसेज थ्रू द यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इन विलेजेस एंड ग्राम पंचायत। फटाफट से बताइएगा, किस राज्य सरकार ने गांव और ग्राम पंचायतों में यूपीआई के माध्यम से डिजिटल भुगतान सेवाएं लॉन्च करने के लिए NPCI और कैनरा बैंक के साथ समझौता किया है? इस राज्य सरकार का नाम यहाँ पर क्या बनता है? आंध्र प्रदेश यहाँ पर सही जवाब आपका बनेगा। फ्लिपकार्ट हैज साइन MOU विद विच IIT कंपनी टू सपोर्ट द इंडस्ट्री फोकस्ड अप्लाइड साइंसेज। फ्लिपकार्ट ने किस IIT के साथ उद्योग केंद्रित अप्लाइड रिसर्च के लिए एक MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कल भी बताया था, इसका फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पर सही जवाब बनता है IIT पटना। क्या बनता है? IIT पटना। अगला प्रश्न, हु हैज बीन ऑनर्ड विद द तमिलनाडुज चीफ मिनिस्टर्स स्पेशल अवार्ड ऑन द 74th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन। किसे 74वें स्वतंत्रता दिवस समारोह पर तमिलनाडु मुख्यमंत्री के विशेष पुरस्कार से आपका सम्मानित किया गया है? तो मैंने आपको बताया था कि सौम्या स्वामीनाथन जो कि WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की आपकी चीफ साइंटिस्ट आपकी बनती है, उनको यहाँ पर विशेष पुरस्कार से पुरस्कृत यहाँ पर आपका किया जाएगा। Which birth anniversary observed on 20th of August, 20 अगस्त को किसकी जयंती आपकी मनाई जाती है? तो ये राजीव गांधी जी की आपकी जयंती मनाई जाती है। Which city was ranked at the top in the स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 रैंकिंग लिस्ट? स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की रैंकिंग सूची में किस शहर को शीर्ष स्थान पर आपका रखा गया है? तो इंदौर टॉप पोजीशन पर है। सेकंड टॉप पोजीशन पर आपका सूरत शहर मौजूद है। और अगर बात की जाती है कि विच टाउन वाज एडजस्ट एज द क्लीनेस्ट टाउन, सबसे स्वच्छ शहर आपका बनता है ऑन द रिवर बैंक ऑफ गंगा, गंगा नदी के किनारे, स्वच्छ भारत सर्वेक्षण 2020 रैंकिंग्स में, तो इस शहर का नाम आपका बनता है वाराणसी शहर। ऋषिकेश भी गंगा के किनारे, हरिद्वार भी गंगा के किनारे, इलाहाबाद भी गंगा के किनारे, पटना शहर जो कि राजस्थान की राजधानी बनती है वो भी गंगा के किनारे। इसके अलावा मैं बात करता हूँ हरिद्वार, ऋषिकेश, ये सब तो हो ही गए हैं, तो ये सारे शहर याद रखिएगा। अगला प्रश्न, फॉर्मर क्रिकेटर लॉरा मार्स हैज अनाउंस हर रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ द गेम्स रिसेंटली, सी प्लेड फॉर विच कंट्री? पूर्व क्रिकेटर लॉरा मार्स ने हाल ही में खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की यहाँ पर घोषणा की है। वह किस देश के लिए खेलती थी? चार ऑप्शन में से आपका सही जवाब इंग्लैंड यहाँ पर बनेगा। इब्राहिम बाउबकर कीता हैज रिजाइंड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? इब्राहिम बाउबकर कीता ने किस देश के राष्ट्रपति के तौर पर यहाँ पर इस्तीफा दे दिया है? तो उन्होंने माली के राष्ट्रपति के तौर पर यहाँ पर इस्तीफा दे दिया है। नेम द नोडल एजेंसी नेम दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज गोइंग टू सेट अप फॉर कंडक्ट द कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET फॉर ऑल गवर्नमेंट एंड बैंक्स जॉब्स इन द कंट्री। उस नोडल एजेंसी का नाम बताइए जिसे भारत सरकार देश की सभी सरकारी और बैंकों की नौकरियों के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा आयोजित कराने जा रही है। कंपनी का नाम यहाँ पर बनता है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। क्या बनेगी? नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी इसका नाम यहाँ पर बनेगा NRA, यहाँ पर सही जवाब आपका रहेगा। विच इंश्योरेंस कंपनी हैज इंटर्ड इन द बैंक इंश्योरेंस एग्रीमेंट विद SBM बैंक इंडिया रिसेंटली? हाल ही में किस बीमा कंपनी ने स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस SBM स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस के साथ यहाँ पर बैंक इंश्योरेंस के लिए समझौता किया है? तो यहाँ पर भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस। बैंक इंश्योरेंस शब्द क्या होता है या बैंक इंश्योरेंस प्रोडक्ट कैसे कहते हैं, ये कई बार एग्जाम में आपका पूछा जा चुका है। देखिए, अगर कोई बैंक आपका वर्क कर रहा है, ठीक है, तो ऑलरेडी इस बैंक के हजारों या लाखों कस्टमर आपके हो सकते हैं। तो कोई भी इंश्योरेंस कंपनी बैंक के एग्जिस्टिंग मतलब कि पुराने कस्टमर्स को, जो कस्टमर ऑलरेडी बैंक के हैं, अगर उनको बैंक के चैनल के माध्यम से ही इंश्योरेंस की सर्विसेज यहां पर प्रोवाइड करती है, इंश्योरेंस की सर्विसेज यहां पर देती है। आप सभी लोग बैंक जाते होंगे, अभी COVID-19 के बीच में तो आप लोग नहीं जा रहे होंगे, लेकिन कई बार आपने देखा होगा आप बैंक की कोई सर्विस को लीजिए तो बोलते हैं सर आपको इसमें इंश्योरेंस भी मिलेगा,
या आजकल इंश्योरेंस प्रोडक्ट बहुत बेचे जाते हैं, किसी भी तरह की पॉलिसी, कोई भी क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड लीजिए तो बोलते हैं सर आपको इसमें इंश्योरेंस भी मिल रहा है, आप लेना चाहेंगे। तो जब भी बैंक के किसी एग्जिस्टिंग यानी कि पुराने कस्टमर को, वो अपने चैनल से ही, मतलब कि आप बैंक की ब्रांच के अंदर जाइए जहां पर आप पैसा जमा करने या निकालने पहुंचे हैं, तो वहां पर एक व्यक्ति बैठा रहेगा, वो पूछेगा सर आपका इंश्योरेंस है, अरे सर आपको ये बैंक आपको इंश्योरेंस देना चाहता है और आपको इतना प्रीमियम भरना पड़ेगा और आपको देखो इंश्योरेंस मिलेगा वगैरह वगैरह वगैरह। तो जब कोई बैंक अपने बैंकिंग चैनल से यहाँ पर इंश्योरेंस की सुविधा देता है तो इस प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, बैंक एश्योरेंस इसको यहाँ पर कहा जाता है। तो भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के साथ स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस ने करार किया है, तो इसका मतलब यह है कि भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी अपने इंश्योरेंस प्रोडक्ट को स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस के कस्टमर्स को यहाँ पर बेचेगी। इसी प्रोडक्ट को हम लोग यहाँ पर बैंक एश्योरेंस यहाँ पर कहेंगे। ये बात सबको समझ में आ गई हो तो एक बार यस लिखकर बता दीजिए, कि अगर जिसको नहीं समझ में थी या पहले नहीं पता था तो अब यहाँ पर पता चल गया होगा। सारी बातें समझ में आ गई है तो एक बार यस लिखकर बता दीजिए कि हाँ सर यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई है। ओके चलिए अगला प्रश्न, विच पेमेंट्स बैंक हैज लॉन्च एन आधार ऑथेंटिकेशन बेस्ड डिजिटल सेविंग अकाउंट जिसका नाम बनता है जन बचत खाता। तो सीधा क्वेश्चन, जन बचत खाता हाल ही में किस बैंक के द्वारा यहां पर शुरू किया गया है, लॉन्च किया गया है। चार ऑप्शन आपके सामने है, सही जवाब यहां पर बनता है फिनो पेमेंट्स बैंक। क्या बनता है? फिनो पेमेंट्स बैंक यहां पर बिल्कुल सही जवाब बनता है। जबकि एयरटेल पेमेंट बैंक, यह नाम भी आप लोगों ने सुना होगा, एयरटेल पेमेंट बैंक की अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो ये भारत का पहला एयरटेल पेमेंट्स बैंक, भारत का पहला आपका बैंक यहाँ पर बनता है, याद रखिएगा, जो कि पेमेंट्स बैंक था, फर्स्ट पेमेंट बैंक ऑफ इंडिया, तो ये आपका बनता है एयरटेल पेमेंट बैंक। तो यहाँ तक आपका रिवीजन कंप्लीट हुआ। अब फटाफट से यहाँ पर शुरुआत करते हैं करंट अफेयर्स एमसीक्यू की, जिनमें पहला प्रश्न आप सभी के सामने, व्हेन डिड चंद्रयान 2 कंप्लीट 1 ईयर इन ऑर्बिट अराउंड द मून। चंद्रयान 2 मिशन ने चंद्रमा की परिक्रमा करते हुए 1 वर्ष आपका कब पूरा कर लिया, किस तारीख को पूरा कर लिया, तारीख आप सभी के सामने है, फटाफट से यहाँ पर मुझे बताइएगा कि सही जवाब आपका यहाँ पर क्या बनेगा। आप सभी को याद होगा कि इसरो का जो मंगल चंद्रयान मिशन 2 था वो आपका मून के लिए आपका लॉन्च किया गया था। इस मिशन के आपके 2 कंपोनेंट थे, एक इसमें आपका ऑर्बिटर था। ऑर्बिटर का काम यह था कि ये चंद्रमा की कक्षा का मतलब यहां पर यह होगा कि जिस तरह से जो चांद है वो आपका सूर्य पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है, जिस तरह से चांद आपका पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है, उसी तरह से चंद्रमा की ऑर्बिट के चारों तरफ से चक्कर लगाएगा ये आपका ऑर्बिटर, जो कि चंद्रमा की कक्षा में आपका घूमता रहेगा, इसलिए इसको यहाँ पर ऑर्बिटर का नाम दिया गया। दूसरा यहाँ पर रोवर था, रोवर का नाम आपका था प्रज्ञान रोवर, आप सभी को याद होगा प्रज्ञान रोवर को चंद्रमा की कक्षा पर आपका उतरना था, ठीक है, लेकिन वो चंद्रमा की कक्षा पर आपका उतरा तो था लेकिन वो उतरते ही उसकी स्पीड काफी ज्यादा थी और वो वहां पर आपका क्या हो गया था, डिस्ट्रॉय हो गया था, आपको याद होगा। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि चंद्रयान 2 मिशन आपका आंशिक तरीके से सफल रहा। अब इस ऑर्बिटर की अगर हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं तो अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एक क्रेटर, एक गड्ढा भी था चांद की सतह पर, जिसकी एक तस्वीर यहाँ पर चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने हमें भेजी थी, और इस क्रेटर, इस गड्ढे का नाम हमने डॉक्टर विक्रम साराभाई जी के नाम पर रखने की बात कही है, ये भी आपको पता होगा। तो अभी हाल ही में कितने साल यहाँ पर पूरे हो गए, अभी 1 साल आपका पूरा हो चुका है, ठीक है, तो 20 अगस्त को यहाँ पर 1 साल आपका कंप्लीट हो गया था, 20 अगस्त को यहाँ पर 1 साल आपका कंप्लीट हो गया था चंद्रयान 2। और इसी साल आपको याद होगा पिछले साल हम लोग चंद्रयान 2 रोवर को यहाँ पर ढूंढ रहे थे कि कहाँ गया कहाँ नहीं गया। साथ ही साथ इसरो की भी बात कर लेते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो की स्थापना 15 अगस्त की तारीख को ही आपकी हुई थी, और किस ईयर में हुई थी, तो 1969 में हुई थी। 1969 में ही हमारे देश में 14 बड़े बैंकों का आपका नेशनलाइजेशन हुआ था, ये भी यहाँ पर साथ ही साथ याद करते हुए चलिएगा। इसरो की स्थापना इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर आपकी हुई, हेडक्वार्टर इसका आपका कहां पर बनता है, इसका हेडक्वार्टर फटाफट से लिखकर बता दीजिएगा। इस ऑर्गेनाइजेशन के पहले चेयरमैन और चीफ आपके डॉक्टर विक्रम साराभाई ही थे, और वर्तमान में डॉक्टर के सिवन साहब इसके क्या बनते हैं, चीफ आपके यहां पर बनते हैं, ये भी साथ ही साथ आप लोग यहां पर याद रखिएगा, ठीक है, ये भी आपके लिए यहां पर इंपॉर्टेंट बनेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, विच स्टेट विल बी द फर्स्ट वन इन इंडिया टू ऑफर गवर्नमेंट जॉब बेस्ड ऑन द सीईटी स्कोर। लो भैया, अब अभी हाल ही में अनाउंसमेंट भी हुआ है और यहाँ पर एक राज्य ने यह भी बोल दिया है कि अब हम अपने राज्य में जितनी भी सरकारी आपकी नौकरी होंगी उन सभी सरकारी नौकरियों के लिए सीईटी स्कोर के आधार पर ही नौकरी देंगे। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट
जब आप लोग देंगे तो उसके आधार पर ही सरकारी नौकरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा होगा, तेलंगाना स्टेट, मध्य प्रदेश, दिल्ली राज्य या फिर महाराष्ट्र स्टेट। फटाफट से यहाँ पर बताएगा सही जवाब आपका यहाँ पर क्या बनेगा। हाँ, बेंगलुरु यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब बनता है। इसरो का हेडक्वार्टर आपका बेंगलुरु शहर में आपका मौजूद है, वेरी गुड। इसी राज्य में से एक राज्य आपका है मध्य प्रदेश। इस राज्य ने अभी हाल ही में आपका यह भी बोला था कि हम लोग अपने राज्य की जो वैकेंसीज होंगी वो राज्य के विद्यार्थियों को ही देने के लिए उन्होंने यहाँ पर उसको बोला है कि हम लोग राज्य को यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। और मध्य प्रदेश राज्य ने ही यहाँ पर यह बोला है कि सीईटी स्कोर के आधार पर ही अब आपको गवर्नमेंट नौकरी यहाँ पर दी जाएगी भैया, क्लियर है। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर बनता है। सीईटी स्कोर एक बार मिलने के बाद 3 वर्षों के लिए यानी कि 3 इयर्स के लिए आपका वैलिड होगा, ये याद रखिएगा। इसके लिए हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जिले में एक आपका एग्जाम सेंटर आपका बनाया जाएगा, ठीक है। इसके तहत बैंक, एसएससी और रेलवे के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आपका कराया जाएगा, ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। बार बार फीस भरने के झंझट से आपको मुक्ति मिलेगी। एक बार आप कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट देंगे जिसके माध्यम से, जिसके स्कोर के माध्यम से आपका चुनाव यहाँ पर किया जाएगा, ओके, पॉइंट यहाँ पर क्लियर है। अगला प्रश्न, विच नेशन इज लुकिंग फॉर कोलैबोरेशन विद इंडिया टू मास प्रोड्यूस इट्स कोविड कोविड वैक्सीन। कौन सा कंट्री अपनी कोविड वैक्सीन का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के लिए भारत के साथ सहयोग की तलाश आपका कर रहा है? ये कंट्री चाहता है कि इंडिया के साथ यहाँ पर एक टाई अप हो जाए और फिर इस कोविड-19 वैक्सीन को बड़े पैमाने पर यहाँ पर इसका उत्पादन किया जा सके। ये कंट्री बनता है चाइना। ये तो बस मौज मस्ती और पार्टी आपका करने के लिए बचे हैं। सबसे पहले कोविड-19 हम सभी जानते हैं कि वुहान शहर चाइना से आपका फैला था। सबसे पहले ये जो कोविड-19 जो वायरस है वो आपका वुहान सिटी ऑफ चाइना से आपका फैला था, इसलिए इसको वुहान वायरस भी आपका कहते हैं। वुहान शहर की अगर मैं बात करता हूं तो ये वुहान शहर आपका यांगजी नदी के पास आपका मौजूद है या यांगजी नदी के किनारे आपका मौजूद है, ये याद रखिएगा, क्योंकि यांगजी नदी एशिया की सबसे लंबी नदी आपकी बनती है। और चाइना के दो प्रमुख शहर, यांगजी की अगर मैं बात करता हूँ, चाइना के दो प्रमुख शहर वुहान शहर और संघाई शहर, ये दोनों ही यांगजी नदी के किनारे मौजूद है। अभी हाल ही में एक पिक्चर सामने आई थी जिसमें यहाँ पर वुहान शहर के एक बड़े से वाटर पार्क में लोग वहां पर एंजॉय करते हैं, साथ में नहाते हुए नजर आ रहे हैं, ना ही किसी के मुंह पर मास्क है और बहुत भीड़ इकट्ठा करके वहां पर रखी है। तो ये देखकर बड़ा अजीब लगा कि ये शहर के लोग, अभी दुनिया में कोविड-19 का पैंडमिक आपका चल रहा है और ये लोग वुहान शहर में आसानी से मौज मस्ती और एंजॉय कर रहे हैं। बताओ, इनको कोई टेंशन ही नहीं है, बताओ यार, हद करें ये लोग यार, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही जवाब आपका बनेगा वो रशिया यहाँ पर बनेगा। आपको याद होगा रशिया ने अभी यहाँ पर एक वैक्सीन को यहाँ पर अप्रूवल दे दी है। उस वैक्सीन का नाम आपका बनता है स्पुतनिक, स्पुतनिक 5 यहाँ पर नाम बनता है। स्पुतनिक 5 नाम का जो सैटेलाइट, स्पुतनिक नाम का जो सैटेलाइट था, ये दुनिया का पहला सैटेलाइट था जो कि अंतरिक्ष में आपका स्थापित किया गया था। और इसी सैटेलाइट के नाम पर यहाँ पर वैक्सीन का नाम रशिया ने आपका यहाँ पर रखा है। रशिया चाहता है कि भारत इस वैक्सीन का निर्माण अपने देश में भी करे, मास प्रोडक्शन करे इंडिया, और इसका लाभ भारत भी ले और पूरी दुनिया में भी इसका लाभ यहाँ पर पहुंचाया जा सके। तो एक अच्छी बात है, रशिया हमारा बहुत ही पुराना मित्र है। मॉस्को यहाँ की क्या बनती है? राजधानी बनती है। रूबल यहाँ की क्या बनती है? करेंसी बनती है। रशिया कंट्री दुनिया का लार्जेस्ट कंट्री आपका बनता है अकॉर्डिंग टू द लैंड एरिया, क्षेत्रफल के अनुसार, भूमि के अनुसार ये दुनिया का सबसे बड़ा देश बनता है। ये आधा यूरोप में आधा एशिया में आपका फैला हुआ है। क्या आप बता सकते हैं कि इस देश को यूरोप और एशिया से अलग करने वाली पर्वतमाला का नाम क्या है? फटाफट से यहाँ पर मुझे बता दीजिएगा। कल ही मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि मलेशिया नाम के देश में कोविड-19 का एक नया स्ट्रेन आपका पाया गया है। यहाँ पर स्ट्रेन का नाम D614G, विकी कुमार ने हमें बताया है कि D614G ये आपका कोविड-19 का नया स्ट्रेन है जो कि मलेशिया में पाया गया है। ये जो वर्तमान आपका कोरोना वायरस चल रहा है ये उससे 10 गुना ज्यादा खतरनाक है। मरने वाले लोगों की दर 10 गुना ज्यादा होगी। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये याद रखिएगा। यूराल माउंटेन, रोनित घोष ने यहाँ पर आंसर किया, वेरी गुड रोनित। अगला प्रश्न, विच शॉर्ट फिल्म वॉन द फर्स्ट प्राइज इन द ऑनलाइन शॉर्ट फिल्म कंटेस्ट। अब देखो, अब तो यही होना है कि ऑनलाइन शॉर्ट फिल्म कंटेस्ट आपका जो किया गया था इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के द्वारा, इसमें यहाँ पर फर्स्ट रैंक और फर्स्ट प्राइज यहाँ पर किस फिल्म ने यहाँ पर जीता है, किस शॉर्ट फिल्म ने आपका यहाँ पर जीता है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा आयोजित ऑनलाइन लघु फिल्म प्रतियोगिता में किस लघु फिल्म ने पुरस्कार आपका जीता है? IM, अब इंडिया बनेगा भारत, 10 रुपी या फिर रिस्पेक्ट। ये 4 आपकी यहाँ पर शॉर्ट फिल्म बनती हैं जिनमें से सीधा आपको फिल्म का नाम याद रखना है MI,
ये आपकी फिल्म यहाँ पर बनेगी। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के वर्तमान मंत्री कौन है, तो फटाफट से इनका नाम मुझे यहाँ पर लिखकर बता दीजिएगा। अगला प्रश्न, इंडियाज फर्स्ट एयर बबल इन साउथ एशिया विल बी स्टैब्लिश विद विच नेशन, दक्षिण एशिया में भारत का पहला हवाई बुलबुला किस राष्ट्र में स्थापित किया जाएगा, श्रीलंका, मालदीव, नेपाल और बांग्लादेश। एयर बबल का मतलब यहाँ पर यह होता है कि एयर बबल जो होता है आपका वो केवल दो कंट्रीज के बीच में ही आपका होता है, जिसके तहत यहाँ पर तय समय पर और एक म्यूचुअल एग्रीमेंट के तहत यहाँ पर हवाई यात्रा उस देश के साथ शुरू करने की बात आपकी की जाती है। तो ये एयर बबल और एयर बबल सिस्टम जो कि साउथ एशिया में पहली बार, तो ये हम लोग मालदीव के साथ करने वाले हैं। मालदीव देश की बात करते हैं, राजधानी यहाँ की बनती है आपकी माले, करेंसी आपकी यहाँ पर बनती है रुपया, नॉट रुपया, करेंसी क्या बनती है यहाँ की, करेंसी रुपया बनती है। मालदीव इंडियन ओशियन में यानी कि हिंद महासागर में सबसे छोटा आपका आइलैंड कंट्री आपका बनता है, जबकि सबसे बड़ा आइलैंड कंट्री बनता है मेडागास्कर, ये भी याद रखिएगा। मालदीव भारत का अच्छा मित्र है और सबसे छोटा स्मॉलेस्ट कंट्री बनता है इंडियन ओशियन में। अच्छा, इंडियन ओशियन में जो सबसे गहरी जगह आपकी बनती है, जो सबसे गहरी ट्रेंच बनती है, सबसे गहरी जगह हिंद महासागर में है, उस ट्रेंच का नाम क्या है, फटाफट से लिखकर बताइएगा, क्योंकि मैरियाना ट्रेंच तो सबसे गहरी जगह है पृथ्वी पर जो कि आपका प्रशांत महासागर में आपकी मौजूद है। अगला प्रश्न, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू प्रोवाइड द 50 लाख इंश्योरेंस कवर टू प्राइवेट डॉक्टर्स हु डाई फॉर COVID-19 इन्फेक्शन। अच्छी बात है, कोरोना वॉरियर्स के लिए, कोरोना वॉरियर्स में से आपके एक होते हैं वो निजी डॉक्टर जो कि आपका कोरोना संक्रमण से लड़ते लड़ते उनको भी कोरोना हो गया और उनको क्या हुआ, उनकी डेथ भी हो गई उसकी वजह से। तो ऐसे डॉक्टर्स को यहाँ पर उनके परिवारों को 50 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर यहाँ पर प्रदान किया जाएगा। अगर डॉक्टर की मौत हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में 50 लाख रुपए उनके परिवारों को दी जाएंगे। दिल्ली है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है और झारखंड है, राज्य का नाम यहाँ पर बनता है महाराष्ट्र स्टेट। जितने भी लोगों ने यहाँ पर सुंदर ट्रेंच आंसर किया है वो यहाँ पर बिल्कुल सही है। सुंदर ट्रेंच ये हिंद महासागर की सबसे गहरी जगह है, जबकि दुनिया की सबसे गहरी जगह आपकी 11,000 मीटर से भी ज्यादा गहरी है, ये आपकी बनती है मरियाना ट्रेंच, जो कि आपकी प्रशांत महासागर, दुनिया का सबसे बड़ा जो महासागर है वहां पर आपका मौजूद है। अगर कोई गहराई तक पहुंचे तो इसे चैलेंजर डीप कहा जाता है और ये अभी हाल ही में नासा की एक एस्ट्रोनॉट ने इसे यहाँ पर कंप्लीट किया है। मध्य प्रदेश की सरकार यहाँ पर अभी चर्चा का विषय आपकी बनी हुई है। उद्धव ठाकरे साहब चीफ मिनिस्टर बनते हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार साहब बनते हैं, गवर्नर आपके बनते हैं भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के गवर्नर आपके बनते हैं। हाल ही में भगत सिंह कोश्यारी साहब को यहाँ पर गोवा राज्य का एडिशनल गवर्नर भी आपका यहाँ पर नियुक्त किया गया है, क्योंकि गोवा राज्य के जो गवर्नर थे सत्यपाल मलिक जी, उनको मिजोरम स्टेट का यहाँ पर गवर्नर आपका अपॉइंट यहाँ पर किया गया है। तो ये साथ ही साथ सारी चीजें आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। अगला प्रश्न, इन इंडिया सद्भावना दिवस इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच लीडर, भारत में सद्भावना दिवस को किस नेता की जयंती के रूप में आपका मनाया जाता है। अटल, अगर हम बात करते हैं एपीजे अब्दुल कलाम जी, मुझे ठीक तरीके से याद नहीं है लेकिन जहां तक एपीजे अब्दुल कलाम जी की जयंती के दिन हम लोग शायद स्टूडेंट्स डे आपका सेलिब्रेट करते हैं। अगर आपका आंसर यस है तो एक बार यस लिखकर बता दीजिएगा। राजीव गांधी जी की जयंती, अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती, अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो जयंती होती है वो 25 दिसंबर को होती है, 16 अगस्त को इनका निधन हुआ था, ये इनकी जयंती नहीं बल्कि पुण्य तिथि आपकी बनती है जो कि 16 अगस्त को अभी आपकी गुजरी है। तो 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती होती है, इसे हम लोग गुड गवर्नेंस डे के तौर पर मनाते हैं, यानी कि सुशासन दिवस के तौर पर मनाते हैं। राजीव गांधी जी की जयंती अभी हमने किस तारीख को यहां पर मनाई है याद रखिएगा, जयंती पूछी जा रही है, पुण्यतिथि नहीं पूछी जा रही। पुण्यतिथि इनकी बनती है 21 मई, 21 मई 1991 को लिट्टे के आतंकवादियों ने श्री पेरम्बदूर साउथ इंडिया में इनको एक बॉम्ब ब्लास्ट में इनकी हत्या कर दी थी, जिसको हम लोग एंटी टेररिज्म डे के तौर पर मनाते हैं आतंकवाद को रोकने के लिए। तो राजीव गांधी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब बनते हैं। भारत के 6ठे प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी और भारत के सबसे युवा प्राइम मिनिस्टर थे आपके राजीव गांधी। भारत के कंप्यूटराइजेशन का या भारत को कंप्यूटराइज करने का जो श्रेय है वो आपका राजीव गांधी जी को ही आपका यहाँ पर जाता है। इनके समाधि स्थल को वीर भूमि के नाम से आपका जाना जाता है, याद रखिएगा। वेरी गुड, और राजीव गांधी जितने भी लोगों ने आंसर किया है वो यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, NIPL ठीक है इज अ होली ऑन सब्सिडरी, पूरी तरह से सहायक कंपनी बनती है
किस ऑर्गेनाइजेशन की? होली ओन्ड सब्सिडरी का मतलब बनता है कि इस कंपनी में 100 out of the 100% शेयर, होली ओन्ड सब्सिडरी का मतलब बनता है कि इस कंपनी में 100 out of the 100% जो शेयर हैं आपके, वो आपके इसी ऑर्गेनाइजेशन के हैं, किसी और ऑर्गेनाइजेशन के आपके नहीं है। एनपीसीआई ऑर्गेनाइजेशन बनेगा, सिडबी ऑर्गेनाइजेशन बनेगा, आरबीआई बनेगा, या फिर नाबार्ड बनेगा, किस ऑर्गेनाइजेशन के 100 out of the 100% शेयर एनआईपीएल कंपनी में आपके मौजूद हैं, जिसकी वजह से ये होली ओन्ड सब्सिडरी बन जाती है, किसकी? एनपीसीआई की। अब सर ये तो ठीक है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये आपका एनपीसीआई बनता है, ठीक है सर, लेकिन एनआईपीएल का फुल फॉर्म भी तो आपसे पूछा जा सकता है। बिल्कुल, एनआईपीएल में जो एन है वो आपका एनपीसीआई से लिया गया है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से एन, और बनता है आईपीएल, तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड। आईपीएल का मतलब इंडियन प्रीमियर लीग नहीं है, आईपीएल का मतलब इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, एन का मतलब एनपीसीआई का एन। तो अब ये जो कंपनी आपकी बनेगी तो विदेशों में भी यहाँ पर पेमेंट की सर्विसेज आपको मुहैया कराएगी, मतलब सर समझे नहीं, अब आप समझिएगा, जैसे आपके पास रुपे डेबिट कार्ड है, तो रुपे डेबिट कार्ड एक आपका पेमेंट गेटवे बनता है। पेमेंट गेटवे ऐसी कंपनियों को कहते हैं जो एक नेटवर्क प्रोवाइड करती हैं हर तरह की वेबसाइट, हर तरह के पोर्टल पर ऑनलाइन पेमेंट के लिए, एक पेमेंट गेटवे आपका बनता है। अब रुपे कार्ड भी क्या है, हमारा पेमेंट गेटवे बनता है, लेकिन रुपे कार्ड का जो पेमेंट गेटवे था वो अभी तक इंडिया में ही वर्क करता था, यानी कि अगर आप किसी फॉरेन वेबसाइट या फिर अमेरिका में जाकर कोई पेमेंट करना चाहते हैं तो वो पेमेंट आपका नहीं होता था। ये केवल एक नेशनल पेमेंट गेटवे है, भारत में कभी भी कहीं भी अगर आप कोई भी पेमेंट करना चाहते हैं और वो रुपी ब्रांड के तहत है तो ही आपका यहाँ पर आसानी से हो जाएगा, लेकिन विदेशों में नहीं होगा। इसके लिए अब यहाँ पर एनआईपीएल नाम की कंपनी बनाई गई है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, ये होली ऑन सब्सिडरी रहेगी एनआईसीएल की, एनपीसीआई की, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की, हेडक्वार्टर बनता है मुंबई में, जो कि इस तरह के पेमेंट सर्विसेज भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करेगी, ठीक है भाई। सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ पर मौजूद है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है। आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। नाबार्ड का हेडक्वार्टर भी आपका मुंबई में मौजूद है। अगला प्रश्न, कोरमो जॉब्स, ध्यान से, कोरमो जॉब्स इज एन एप्लीकेशन, कोरमो जॉब्स एक आपकी एप्लीकेशन बनती है टू प्रोवाइड एंट्री लेवल जॉब्स ऑप्शन, एंट्री लेवल जॉब ऑप्शंस, द ऐप हैज बीन लॉन्च बाय विच कंपनी? कोरमो जॉब्स एंट्री लेवल जॉब ऑप्शंस प्रदान करने के लिए एक एप्लीकेशन आपके यहाँ पर बनती है, यह एप्लीकेशन किस कंपनी के द्वारा आपकी लॉन्च की गई है? गूगल है, एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है, और फेसबुक है? फटाफट से यहाँ पर मुझे बताएगा सही जवाब। एनपीसीआई का कई बार फुल फॉर्म आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है। वेरी गुड सोनू जी, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका हैदराबाद शहर में मौजूद है, यहाँ पर बिल्कुल सही आपका आंसर बनता है, ये भी याद रखिएगा। सही जवाब यहाँ पर आपका बनता है गूगल, गूगल के द्वारा कोरमो जॉब्स नाम की एप्लीकेशन आपकी यहाँ पर एंट्री लेवल जॉब ऑप्शंस के लिए यहाँ पर शुरू की गई है। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई बनते हैं। गूगल एक सर्च इंजन है, इसकी स्थापना 1998 में आपकी की गई थी, और ये एक अमेरिकन सर्च इंजन है। हाल ही में गूगल के द्वारा ऑस्ट्रेलिया के नागरिकों को इस बात की चेतावनी दी गई है कि अगर ऑस्ट्रेलिया में इसी तरह का विरोध प्रदर्शन जारी रहा, जिसके तहत गूगल अगर किसी भी पब्लिशर के कंटेंट को यूज करता है अपने सर्च बॉक्स में, मतलब कि आपने कोई न्यूज सर्च की और वो न्यूज सर्च में मान लेते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर या टाइम्स ऑफ इंडिया या दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, अमर उजाला का कोई रेफरेंस हमें देखने को मिलता है और फ्री में वहां पर कंटेंट दिया जा रहा है, तो यहाँ पर उनको उस पब्लिशर को यहाँ पर पेमेंट करना चाहिए जो पब्लिशर आपका, या जिस पब्लिशर की इंफॉर्मेशन को गूगल ने यहाँ पर इस्तेमाल आपका किया है, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए सर। तो गूगल इसी तरह से यहाँ पर गूगल ने चेतावनी दी है, तो ये सारी चीजों को याद रखिएगा। अगला प्रश्न, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द न्यूली लॉन्च एनआईपीएल? अभी तो डिस्कस किया था, एन नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, एनआईपीएल होली ओन्ड सब्सिडरी, एन
नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई की ये होली ऑन सब्सिडरी है। इसके अभी हाल ही में सीईओ भी नियुक्त कर दिए गए हैं, चीफ एग्जीक्यूटिंग ऑफिसर वो आपके यहाँ पर बनते हैं रितेश शुक्ला। कौन बनते हैं? रितेश शुक्ला। ठीक है, पॉइंट यहाँ पर क्लियर है, पॉइंट यहाँ पर क्लियर रहा, रितेश शुक्ला नाम यहाँ पर याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, विच इज द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन इंडिया। कुछ स्टैटिक की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली है, भवानी आइलैंड है, पिकॉक आइलैंड है, या फिर मुनरे आइलैंड है? फटाफट से बताएगा भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप। और ये नदी द्वीप दुनिया का भी सबसे बड़ा नदी द्वीप आपका यहाँ पर बनता है, दुनिया का भी सबसे बड़ा रिवर आइलैंड बनता है, जिसे 2016 में आपका डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिले का दर्जा भी आपका दिया गया था। और ये रिवर आइलैंड आपका ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर आपका बना हुआ है, इसका नाम आपका बनता है माजुली आइलैंड, ये आपका असम राज्य में मौजूद है। आगे बात करते हैं, किताब का नाम है, किताब का नाम बनता है मिरेकल एट हैप्पी बाजार। मिरेकल एट हैप्पी बाजार इज ऑथर्ड बाय, इसे अरुंधति रॉय के द्वारा लिखा गया है, रस्किन बॉन्ड साहब के द्वारा लिखा गया है, अमिताभ घोष जी के द्वारा लिखा गया है, या फिर अनिता देसाई जी के द्वारा लिखा गया है? सही जवाब आपका यहाँ पर बनता है रस्किन बॉन्ड। ये बहुत ही प्रसिद्ध आपके राइटर है रस्किन बॉन्ड साहब, इनकी हाल ही में जो किताब है, बस नाम याद रखना, मिरेकल एट हैप्पी बाजार, ये इनके द्वारा लिखी गई है। सुलभ इंटरनेशनल म्यूजियम ऑफ टॉयलेट इज लोकेटेड इन, सुलभ इंटरनेशनल म्यूजियम ऑफ टॉयलेट कहां पर आपका स्थित है? मैंने आपको स्टैटिक और जो भी मैं पॉइंट आपको एडिशनल पॉइंट्स बताता हूं उसमें मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, राजस्थान या फिर आंध्र प्रदेश या फिर दिल्ली या फिर महाराष्ट्र। सुलभ इंटरनेशनल म्यूजियम ऑफ टॉयलेट आपको जानकर आश्चर्य होगा, ये दुनिया का सबसे बड़ा टॉयलेट म्यूजियम आपका यहाँ पर बनता है। ये किस शहर में आपका स्थित है? ये आपका दिल्ली शहर में मौजूद है। दिल्ली शहर में पूरे एशियाई बाजार में सबसे पुराना जो मसालों का बाजार है, खड़ी बावली, वो भी आपका दिल्ली में ही मौजूद है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट यहाँ से बनेगा। इन विच स्टेट इज द मेजिया थर्मल पावर स्टेशन इज लोकेटेड? मेजिया थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में? वेस्ट बंगाल, गुजरात, तमिलनाडु और उड़ीसा। किस राज्य में आपका मौजूद है? फटाफट से स्टेट का नाम यहाँ पर बता दीजिए कि सही जवाब आपका यहाँ पर क्या बनेगा। फटाफट से यहाँ पर बताइएगा मेजिया थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर आपका मौजूद है। तो सर आपका ये वेस्ट बंगाल स्टेट में आपका मौजूद है, इसे आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, द फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक वाज सेट अप इन विच ईयर इन इंडिया? भारत में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किस वर्ष में, किस ईयर में आपका एस्टैब्लिश किया गया था? 1972, 1973, 1974 और 1975। अभी कुछ समय के बाद आपका यहाँ पर रीजनल रूरल बैंकों के एग्जाम भी होने वाले हैं, तो वहां पर इस तरह से बैंकिंग के एमसीक्यू भी आप सभी से पूछ लेता है। पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की अगर मैं बात करता हूं, तो पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आपका मुरादाबाद शहर, ये आपका यूपी में पड़ता है, यहाँ पर आपका एस्टेब्लिश किया गया था, पहला ग्रामीण बैंक था, इसलिए इस बैंक का नाम था प्रथमा ग्रामीण बैंक। इस बैंक का नाम क्या था? इस बैंक का नाम था आपका प्रथमा ग्रामीण बैंक। ठीक है, तो ये पहला ग्रामीण बैंक था, प्रथम ग्रामीण बैंक था, इसलिए नाम हो जाएगा प्रथमा ग्रामीण बैंक। और इस बैंक का जो स्पॉन्सर बैंक था वो आपका सिंडिकेट बैंक था, क्योंकि आपको पता है कि रीजनल रूरल बैंकों में जो कैपिटल आपकी डिवाइडेड होती है वो तीन तरीके से डिवाइडेड होती है। रीजनल रूरल बैंकों में 50% जो कैपिटल होती है वो केंद्र सरकार की होती है, 15% जो कैपिटल होती है वो राज्य सरकार की होती है, 35% जो शेयर पूंजी होती है वो स्पॉन्सर बैंक की होती है, जो कि जो बैंक इसको एस्टेब्लिश करने में इसकी मदद करता है, इसका मैनेजमेंट कंट्रोल इसका देखता है। तो प्रथमा ग्रामीण बैंक का जो स्पॉन्सर बैंक था वो आपका सिंडिकेट बैंक था। तो सबसे पहले 2 अक्टूबर 1975 को ऐसे 5 बैंक भारत में स्थापित किए गए थे, जिसमें सबसे पहला बैंक प्रथमा ग्रामीण बैंक आपका एस्टेब्लिश किया गया था मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में, ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। वर्तमान समय में 56 यानी कि 56 के आसपास आपके ग्रामीण बैंक भारत में काम कर रहे हैं, और इनको गांधी जयंती यानी कि 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन 1975 में शुरुआत में अगर आपसे पूछता है कुल कितने आरआरबी एस्टेब्लिश किए गए थे, तो शुरुआत में आपके टोटल 5 आरआरबी आपके एस्टेब्लिश किए गए थे, जिसमें सबसे पहला आरआरबी मुरादाबाद का प्रथमा ग्रामीण बैंक था। इसके बाद एक साल बाद 1976 में आपका आरआरबी का एक्ट यानी कि रीजनल रूरल बैंकों का जो कानून है वो आपका 1975 में आपका पास हुआ था, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैन हैव मैक्सिमम ऑफ हाउ मेनी डिप्टी गवर्नर्स? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में मैक्सिमम कितने डिप्टी गवर्नर्स आपके हो सकते हैं? 2 ही हो सकते हैं, 3 ही हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं? गवर्नर तो आपका एक ही होता है, वर्तमान में है शक्तिकांत दास जी, ये तो आप सबको पता है।
और आपको यह भी पता है कि हाल ही में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में टोटल 6 मेंबर होते हैं, 3 भारत सरकार नियुक्त करती है, 3 यहाँ पर आरबीआई नियुक्त करता है। तो जिन 3 मेंबर्स को यहाँ पर नियुक्त करना है सरकार को, उनके लिए यहाँ पर एक कमेटी का भी गठन किया गया है। कमेटी का नाम याद है आपको तो फटाफट से लिखकर बताएगा कि भारत सरकार ने किस कमेटी का गठन उन 3 सदस्यों की खोज के लिए किया है जो कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में आपके अपॉइंट किए जाएंगे। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के जो आपके चेयरमैन होते हैं, हेड होते हैं, वो आरबीआई के गवर्नर होते हैं, ये भी आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। आरबीआई में मैक्सिमम 4 ही आपके डिप्टी गवर्नर आपके यहाँ पर हो सकते हैं। आरबीआई के 4 लोकल बोर्ड भी हैं। 4 लोकल बोर्ड आपके कौन कौन से हैं? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, ये 4 आरबीआई के लोकल बोर्ड बनते हैं और आरबीआई के 4 ही सब्सिडरी यहाँ पर मौजूद हैं। आरबीआई की सहायक कंपनियों की बात करते हैं तो आरबीआई की सहायक कंपनियां आपकी 4 बनती हैं। तो 4 आरबीआई गवर्नर, 4 लोकल बोर्ड, 4 लोकल बोर्ड मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई, MDCC, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई, तो यहाँ पर ये 3 बनता है आपका। पॉइंट यहाँ पर क्लियर है, ठीक है? तो 4 के हिसाब से याद रखिएगा सर, जो 4 आपके मैक्सिमम गवर्नर हो सकते हैं, हाँ 4 हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान समय में आरबीआई के मात्र 3 ही गवर्नर हैं, एक पद आपका खाली है। आप लोग चाहें तो उस पद के लिए यहाँ पर जॉब निकली हुई है, आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। शक्तिकांत दास जी, ये आरबीआई के गवर्नर हैं, ये आरबीआई के डिप्टी गवर्नर नहीं हैं। आरबीआई के वर्तमान में 3 ही डिप्टी गवर्नर हैं, बीपी कानूनगो साहब ये डिप्टी गवर्नर के पद पर हैं, एमके जैन, महेश कुमार जैन ये डिप्टी गवर्नर के पद पर हैं और एमडी पत्रा साहब ये आपके डिप्टी गवर्नर के पद पर हैं। एक पद अभी आपका खाली है, एक या दो पद आपके खाली हो सकते हैं, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन 4 से ज्यादा आरबीआई के डिप्टी गवर्नर आपके नहीं हो सकते। मैंने मजाक किया था कि एक पद खाली है, हाँ पद तो आपका खाली है, लेकिन इस पद पर अगर आप लोगों को फॉर्म भरना है तो ये पब्लिक में नहीं होता, आरबीआई इसको अपने आप उनको वहां पर नियुक्त करता है। मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होती है वो आपकी इंटरनल होती है, जैसे कि 35 साल से ऊपर की आयु हो, कम से कम 20 साल का बैंकिंग का अनुभव हो, किसी भी पर्टिकुलर बैंक को यहाँ पर लीड किया हो, वगैरह वगैरह बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती हैं। तो पहले आपका पहले ये छोटी छोटी रिक्वायरमेंट ही कंप्लीट हो जाए कि आप बैंक के एम्प्लॉय ही बन जाए, बाद में डिप्टी गवर्नर के पद के बारे में सोचिएगा भाई, है कि नहीं? आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी, ये आपका बिल्कुल सही है। आरबीआई की स्थापना को लेकर जो कमेटी आपकी बनाई गई थी 1926 में बनाई गई थी, कमेटी का नाम था हिल्टन यंग कमीशन। इस कमेटी की सिफारिशों के आधार पर 1934 में कानून पास होता है जिसका नाम है आरबीआई का एक्ट। 1935 में आरबीआई की स्थापना होती है और तारीख आपकी बनती है वो आपका तारीख जो आपकी बनती है वो आपका बनता है क्या, 1 अप्रैल। इसके बाद 1937 की बात करते हैं तो 1937 में आपका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई से आपका कोलकाता, कोलकाता से आपका मुंबई रिलोकेट कर दिया जाता है। और आरबीआई आपका नेशनलाइज कब हुआ था? आरबीआई आपका 1949 में नेशनलाइज हुआ था, ये भी आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर याद रखनी है, हाँ ये सब बस रटा होना चाहिए, ये सारी डेट्स आपको रटी होनी चाहिए, ठीक है ना भाई? रटी होनी चाहिए, ठीक है भाई? तो आज की क्लास में दोस्तों मेरे साथियों इस क्लास में इतना ही था, उम्मीद है आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। आज आपका सैटरडे का दिन है और कल आपका क्या बनता है? कल आपका बनता है संडे। तो संडे को अब ऐसा नहीं है कि आपकी क्लास नहीं होगी, क्लास आपकी संडे को भी होगी। कल आपका वीकली क्विज होगा, लेकिन वीकली क्विज आपका यूट्यूब पर नहीं चलता है, वीकली क्विज आपका चलता है अनअकैडमी पर और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चलता है। और देखिए पूरे हफ्ते में आपने बहुत सारी करंट अफेयर्स को पढ़ी है और अब इस करंट अफेयर्स के आधार पर जितने भी एमसीक्यू आप सभी ने पढ़े हैं उनका एक एक या डेढ़ घंटे की क्लास आपकी होगी वीकली रिवीजन की, जहां पर आप सारे पढ़े हुए प्रश्नों का रिवीजन कर पाएंगे और ये भी देख पाएंगे कि आपको कितनी करंट अफेयर्स याद है। तो आप ऑल ओवर इंडिया में अपनी रैंक यहां पर टेस्ट कर पाएंगे कि ऑल ओवर इंडिया 200, 300, 400 जितने भी स्टूडेंट जुड़ते हैं उनमें से आपकी रैंक क्या बनती है। तो कल वीकली करंट अफेयर्स की क्लास को ज्वाइन करने के लिए आपको अनअकैडमी की एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, बैंक एग्जाम वहां पर सेट करना है, नाम यहां पर सर्च कीजिएगा, नाम सर्च करने के बाद आपको मेरा प्रोफाइल यहां पर मिल जाएगा, प्रोफाइल पर जाकर इसको फॉलो कीजिएगा और कल यहां पर सुबह 9 बजे से वीकली करंट अफेयर्स की क्लास का अनअकैडमी पर आनंद लीजिएगा। और आपकी अब यूट्यूब चैनल पर जो आपकी क्लास होगी वो आपकी
आपकी मंडे को होगी। ओके, शाम 4 बजे आज आपका जीके मैराथन की क्लास आपकी लगी हुई है स्टूडियो पर, तो आप शाम 4 बजे जीके मैराथन की क्लास आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। आज के लिए इस क्लास में दोस्तों मेरे साथियों इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती वक्त यहाँ पर देने के लिए। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। ओके गाइज, तो थैंक यू एवरीवन, कल फिर मुलाकात होगी, ठीक है। और कल वीकली करंट अफेयर्स को ज्वाइन जरूर कीजिएगा बैंक सेक्शन में अनअकैडमी पर फ्री ऑफ कॉस्ट। कल आपकी यूट्यूब पर क्लास नहीं होती है तो विद्यार्थी कहते हैं सर वो आपने क्लास नहीं ली, तो मैं उनसे कहता हूँ कि संडे को अनअकैडमी पर जरूर आइए और जरूर वॉच कीजिए, वहां पर आपको और आनंद आएगा क्योंकि ऑल ओवर इंडिया वहां पर आपकी रैंकिंग भी बनती है, ठीक है भाई। तो चलिए अभी यहाँ पर आज के लिए इतना ही, और अभी 9 बजे आपकी अनअकैडमी पर भी करंट अफेयर्स की क्लास चलेगी, बहुत सारे एमसीक्यू हम लोग वहां पर भी डिस्कस करते हैं, तो वहां